What's up, family? It's me again, back with another video. Welcome to my family. तो भी अगर तुम होना चाहते हो फेमस तो सबसे पहले एक डायलॉग तैयार करो और उसे किसी व्हाइट पेज के ऊपर लिख के ना तुम जहाँ से पानी पीते हो उसके अंदर डाल दो या फिर उस डायलॉग का तावीज बनाकर पहन लो और बार बार हर बार लगातार उसी डायलॉग को जपते रहो। और हाँ, जैसे हर तावीज के पीछे एक बाबा का हाथ होता है, तुम्हारा एक टिकटॉक का अकाउंट भी होना जरूरी है क्योंकि बकचोदी और असर वहीं से ही फैलेगा। अभी ओयाशा का जख्म कम ही नहीं हुआ था, ऊपर से इस लावे ने जला दिया। एक मुर्गी थी, उसके दो बच्चे थे। अच्छा, एक का नाम पावा था, एक का नाम पावा था। जब मम्मी पावा को बुलाती थी पावा आता था, पावा को बुलाती थी पावा आता था। ठीक है, समरिया। फिर मम्मी डॉक्टर के पास गई और बोला, जब मैं पावा को बुलाती हूँ पावा आता है, पावा को बुलाती हूँ पावा आता है। तो डॉक्टर बोला, एक ही दिन में पता नहीं किन किन लोगों ने इस लावे को मावा समझकर खा लिया। मशहूर हो गया, ऐसा लग रहा है कि लाहौर का नया स्लोगन जो है वो मशहूर हो गया। अच्छा, आपने बोला मुस्लिम लीग नून को आप फॉलो करते जी, हैं जी। तो आपके काय तो लंदन बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं वो? सबसे बड़ी बात ये, न्यूज वाले इसको बुला रहे हैं और इंटरव्यू लिया जा रहा है इसकी एज के बारे में। इसकी उम्र देखकर इसकी उम्र पूछी जा रही है। और वैसे भी इसको देखने के बाद यही लगता है ये पांव से लेकर धड़ तक ये कब्र के अंदर ही है। खत्म। आई मीन टू से ये बंदा 50 क्रॉस ही है और मजीद इसको दुआ है आगे भी इसकी उम्र लंबी है। मे ही टेक लॉन्ग। आई मीन टू से अख्तर लावा लिव लॉन्ग। खैर, बहुत खातिरदारी हो चुकी है, अब करते हैं रोस्ट। लेकिन लाइट, बुजुर्ग बंदा है, हो सकता है मेरी रोस्टिंग इसको ले चले। सही बात है। तो दोस्तों, पूरे पाकिस्तानियों सियासतदान साडे नाल की कर रहे ने। बाबू साहबू, मैं वाक उधरों दी आया ते कोई 3-4 बरातां रुकियां ने, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲਿਆਈਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ। ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਇਸ ਚਾਚੇ ਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਯਹੀ ਲਗਤਾ ਇਸਕੇ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਅਬ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਯਹੀ ਕਹਤੇ ਹੋਂਗੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਉਮਰ ਮੇਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਤਸਬੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੱਥ ਮੇਂ ਪਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਨਿਕਲਨੇ ਚਾਹੀਏ ਥੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो आओ भी मिलो पाकिस्तान के अख्तर नाले से। फिलहाल इसी नाले की बू पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है और जरा इसके डायलॉग पे ध्यान दो। सोने में ताड़ी दुबारा कोई और मांगदा, ताड़ा प्यार ही है। देखो, साडे मुल्क दी लेडीज भी मैनू अच्छा समझदी है क्योंकि मैं नाले वड्डा है। प्यार मैनू स्टार बना दिता है, मैं कदी नहीं ताड़ा प्यार बेचांगा बेटी। लाहौर दा पावा अख्तर लावा। उस बिचारे ने हाई हील के सैंडल पहने हुए, लेकिन फिर भी इसको ऐसे देख रही है जैसे साथ में कोई लंबा खंबा खड़ा हुआ है। और चाचे को कुछ समझ नहीं आ रहा चाचा बोल क्या रहा है, लेकिन जो डायलॉग उसको रटा हुआ है वो सही बोल रहा है बस। दिल तो बच्चा है जी, ये वही सीन है। अख्तर इस चाचे का नाम है, पावा और लावा ये यकी है। और हाँ, साथ में डायलॉग को बोलने वाले जज्बात भी होने जरूरी है। पावा लावा ये बंदा बहुत फील करके बोलता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है। मैं नहीं बोलता, मेरे ताड़ा प्यार बोलता। कमल मानत है, मेरी बेटी है, एक्टर है, बहुत ही प्यारियां गल्लां काटी है। जैसे जबान की गुड़िया नहीं होती, इनू लाइक करो, पसंद करो, क्यों कि मैं मेरी बेटी है। अख्तर लावे की खातर रही ना करना, लौटा पावा अख्तर लावा। आपकी बेटी को पसंद भी कर दिया, लाइक भी कर दिया है। बस अभी हम अपना रिश्ता ऑर्डर ऑनलाइन करने ही वाले हैं। और हमें ये भी जानना, ये खसूसी जो इंटरव्यू हो रहा है ये अपलोड कहाँ पे होगा? ये चाचा पावे का शौकीन है। अब भले वो पावा चारपाई का हो या किसी जानवर का। इस वीडियो के नीचे काफी इंटरेस्टिंग कमेंट आए हुए थे, चलो मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। लाहौर द पावा अख्तर कोड़ी यवा। अब ये मेरे मुंह से नहीं निकला, लोगों ने अपने हाथों से टाइप किया हुआ है। मैंने सिर्फ और सिर्फ उस कमेंट को रीड किया है। रोल कैमरा ओवर एक्टिंग। ना छोटा पावा ना बड़ा पावा, कढ़ाई खानी है ते मुस्लिम टाउन जावा। अब ये एक्सक्लूसिव तरीका है एडवर्टाइज करने का, ना छोटा पावा ना वड्डा पावा, कढ़ाई खानी होवे तो मुस्लिम टाउन जावा, और अगर रात को ट्रक उलट जावा माया। चाचा अगर जनरेटर चलाना हो तो पहले पहले क्या करें? एक बार पावा बोलने के बाद दूसरी बार पावा ठीक से बोला ही नहीं जाता और ना ही सेम बॉडी में वही एनर्जी रहती है।
और यकीन करो मैंने इसकी ये वीडियो मैंने बहुत बार देखी है एंड या वी शुड अप्रिशिएट हिम बिकॉज इसने ये जो कुछ भी किया है जैसे भी ये बंदा वायरल हो रहा है लेकिन ये गलत तरीके से नहीं हुआ है। जैसा कि एक चाचा पहले भी वायरल हुआ था कि तुम्हारे लिए फ्रूट में क्या लाऊं, बहुत ही वाहियात वीडियो थी वो। और अभी कल की बात है ओयशा, खैर जमाने में ना से चाचा आपने आखिर करके ही दिखाया। तीर से निकला हुआ कमांड और मुंह से निकली भी बात खैर वापस तो नहीं हो सकती। और मेरी बात से अगर कोई भी बंदा ऑफेंड हो रहा है तो यार प्लीज ऑफेंड मत हो, लगे रहो चाचा लगे रहो। और रिसेंटली इनकी एक और वीडियो भी आई थी जो कि पब्लिक में इनका कोई फड्डा हो चुका है, उनमें ये किसी को ये स्लैप कर रहे हैं। अप्स एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में आती है यार, सो प्लीज इग्नोर नेगेटिविटी एंड रिस्पेक्ट हिम। अरे सर आपकी उम्र क्या है, अगर आप माइंड ना करें अगर शेयर करना चाहे बताना। मैं कौन सी लड़की हूँ जो और ये चाचा है लेजेंड, 64 इयर्स के हैं लेकिन अभी भी अपनी ड्रीम्स के लिए चेस कर रहे हैं। हो सकता है ये चीज आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन बात करने की मासूमियत चेक करो जरा। हमजा शबाज की प्राइवेट सिक्योरिटी का ग्रुप लीडर रहा हूँ 10 साल। ठीक है, शबाज शरीफ मेरा फेवरेट आई हेट पॉलिटिक्स एंड आई लव माई सेल्फ। पॉलिटिक्स से मुझे बहुत नफरत है। पॉलिटिक्स के ऊपर हम यहाँ पे कोई भी बात नहीं करते तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे स्किप करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। करप्शन द पावर नवाज पैन यवा मुझे कॉमेंट आया लाहौर द पावर अख्तर लावा। ये अख्तर लावा क्या सीन चल गया अब नया, मुझे तो ये भी नहीं पता, बस मैंने इतना सुना है कि ये कोई शख्सियत है जो कि बहुत ज्यादा टॉप पे पहुंच गई है, वायरल हो गई है अख्तर लावा। ये क्या है, किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। मोहतरमा को लगता है जुकाम है, आप एक काम करो वीडियो बनाने से पहले जोशांदा बना के पी लो। और मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया, आपने एक हाथ के नाखून काटे हुए और दूसरे हाथ के नहीं। अच्छा बहुत वजू वाला है यार, मतलब एक चीज चेक करो, अख्तर लावा जो है वो ज्यादा वायरल हो रहा है तो लोग उसका नाम यूज कर करके खुद ही वायरल हो रहे हैं। और वैसे तो मैं यहाँ पे इसको रोस्टिंग की नियत से आया था लेकिन इसको देखने के बाद नहीं भाई ये बंदा लेजेंड लगा मुझे। और वैसे भी हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अबे एडिटर ये तूने किसकी वीडियो एड कर दी, ये तो ब्रेनलेस अख्तर लावा है। अब जरा पहुंच चेक करो तुम, WWE तक लोग कॉपी करने लग गए हैं या फिर हो सकता है हमारे चाचे ने की है। अख्तर चाचे का फेवरेट रेसलर भी यही होगा। खैर तो आज लेते नहीं, आई नो वीडियो छोटी है लेकिन कर देंगे लंबी नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस। और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे रोस्ट होनी चाहिए, जिस नाम के कमेंट ज्यादा होंगे तो हम रोस्ट उसी पे करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नाउ इट्स माय टर्न, हॉट मेरे थॉट्स, हीट भरे पेन से लिखूं रैप पेज करूं बर्न, हैवी लाइंस हैवी राइम्स सारे सुन के करते लर्न वाली वाइब, आई गेट इट एक्स वाला स्टाइल, आई गेट इट सबको किया साइड, आई डिड इट ब्रो, आई डिड इट यो, आई डिड इट। कम फिर भी छोड़ा नहीं रैप किया नहीं सेट बैक, लेके आया न्यू ट्रैक, हर वक्त रैपर सारे बने वैक, स्टाइल इनमें करे लैक, दे डोंट नो हाउ टू रैप, एक एक बात मेरी गहरी, ए स्याही मेरी बातें सारी गहरी, ए मुझसे ज्यादा बोले मेरी डायरी, बैठ मेरी क्लास में सिखा दो तुझे शायरी।